जब भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेज जानते थे, अंग्रेज आने वाले हजार साल आगे का प्लान लेके चलते हैं। हम लोग अपने गांव लेवल पे सोचते हैं और अंग्रेज पूरे पृथ्वी लेवल पर सोचते हैं। उनको देख लिए कि कोई देश अगर शांति से रह जाएगा तो उन लोग का काम नहीं चलेगा। आज दुनिया में कहीं भी अशांति फैली हुई है तो लड़ने वाले को मत देखिए, लड़ाने वाले को देखिए, उसमें अमेरिका या यूरोप का हाथ पक्का होगा। चाहे वो इजराइल हो, सीरिया हो, लेबनान हो, मिस्र हो, सऊदी अरब में हो, ईरान में हो, यमन में हो, इराक में हो, यूक्रेन में हो, कहीं पे भी हो, जापान पे परमाणु बम मारा, जहां कहीं भी देख लीजिए इन्हीं का ही हाथ है। यहाँ पर ये लोग पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इतना खतरनाक मारते हैं सब, खुद को शरीफ बने रहते हैं सब, दूसरे से चढ़ा के मार देते हैं सब। इराक आज बर्बाद हो गया कि नहीं बर्बाद हो गया? हम लोग जब इराक था तो हम लोग को पेट्रोलियम मिलता था, हमारे यहाँ के लोग वहां रोजगार का काम करते थे। इराक हमारे लिए कौन सा विरोध का काम किया था, समझ में आएगा कि नहीं? अब जैसे ईरान है, ईरान को हम लोग अपना सामान बेचते हैं ना जी, वहां से पेट्रोलियम लाते हैं कि नहीं, रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके रास्ते हम लोग सेंट्रल एशिया जाते हैं। अब मार के हमला करके ईरान को चौपट कर देगा, हमको क्या मिला? यूक्रेन से हमको कुछ ना कुछ तो मिलता था, इंजीनियरिंग के सामान मिलते थे, लोग नौकरी करने, हमको क्या मिला यूक्रेन से? हम लोग को तो कुछ मिला नहीं, अपने मार के चक्कर में सबको लपेट लिया सब। तो कश्मीर जब आजाद हो रहा था, जब सॉरी ये भारत जब आजाद हो रहा था तो अंग्रेज ने जानबूझ के ऐसी आग लगाए कि तितर पितर हो जाए, जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान चला जाए, जिसे भारत में जाना है भारत चला जाए, जिसे स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र। अरे हरामी के बच्चे, तुम आए थे तो बिखरा हुआ था, अफगानिस्तान से म्यांमार तक एक ही था ना, गया तो चोट्टा, पहले अफगानिस्तान तोड़ दिया, म्यांमार तोड़ दिया, श्रीलंका तोड़ दिया, उसके बाद जो बचन उसको मौका दे दिया कि तू टट के हट जाओ यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे उतनी ज्यादा होशियार समझते थे, लेकिन वो होशियार थे नहीं, उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बहुत होशियार था। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला हो गया जिस वजह से वो भारत में आकर शरण मांगे, तो भारत ने एक ही आधार पर शरण दिया कि आप भारत में मिलिएगा। तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, यह डेट याद रखिएगा, पूछेगा। 26 अक्टूबर 1947 देश आजाद हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना में पाकिस्तानी सेना आधा कश्मीर में घुस चुकी थी। 3 महीना युद्ध बहुत होता है, अभी यूक्रेन में 85 दिन हुआ है, यूक्रेन का हालत खराब हो गया, रूस का भी हालत खराब हो गया, दोनों ओर से बर्बादी होती है, लेकिन रूस बड़ा है, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बबनिया ये मेटेरियल में लिखा हुआ रहेगा, नहीं मिला आज तक जितना पढ़ा है वो लिखा हुआ, तो फिर क्या लिखती है सर? भरोसा ही नहीं होता ये सबको किसी चीज सबको समझाते हैं कि समझो यहां तो ना, झूठ बोलते होंगे कहीं नहीं दिए तब, क्या भरोसा? लड़की सबको बोलते रहते हैं कहीं पीडीएफ नहीं दिए तब क्या होगा, लिखना जरूरी है, नहीं समझे? लड़की बताओ, ये हम कभी ऐसा हुआ जो पढ़ाए उसका पीडीएफ नहीं दिए? अरे लड़का तुम तो भरोसा करता है सर, देखो तो उसको मारो लोग, उसको हयो है, 3-4 हाथ में तो बेहोश हो जाएगी यहां। समझा रहे तो समझान का भाग 3 लिखाइए रहा है, आप पहले से हम एक व्यवस्था रख ले हैं ऐसा सब बवाली सबके लिए, अस्थाई संक्रमण कालीन डाल दिया जाए उसी में, वो कबाला को नहीं बताया जाएगा, बस संविधान में है तो है, डाल दिया कहां पे 370। अब भाग 21 पहले ही कहता है अस्थाई, भाई पहले ही कहता है कि अस्थाई है, ये नहीं है, क्या है? अस्थाई, आज नहीं तो कल आपको जाना है। बकरे की अम्मा कब तक है? ई बकरीद नहीं तो अगला होली सजा कट जाएगा, वो होली में बच गया तो बकरीद, ओ में बच गया तो कसाई लेके चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं काटेगा उसको। तो 370 जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया? 370। और 370 में ऐसा ऐसा प्रावधान जोड़ा, पहले 370 को ए हटाना बेवकूफी है और ना ही सरकार ने हटाया। 370 के ए में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वही भारत की सीमा है। अब 370 ए हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं रहेगी, जो आपका ऑटोमेटिक कट गया। तो 370 ए में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और उसमें भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग तब तक है जब तक संविधान में 370 ए है, तो क्या जरूरत है हमको 370 ए हटाने की, 370 ए पड़े रहने दो। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, राजा हरि सिंह ने और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमको पूरा मौका दिया जाए अपना संविधान बनाने के लिए, और उसको हम इसी में सटाते जाएंगे 370 बी सी डी। लोग घबरा गए यार, कौन कौन सी संविधान बना के लिख देगा, अम्बेडकर साहब का
शांति सरोवर है, अस्थाई है यहाँ पर, क्या है अस्थाई। तो उसी ने जोर दिया वहां पर कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी, जम्मू कश्मीर पर मूल अधिकार अभी भी मूल अधिकार है, वहां संपत्ति का अधिकार अभी भी क्या है मूल अधिकार, बाकी देशों में क्या था कानूनी अधिकार, बाकी राज्यों में कानूनी, वहां पे क्या था मूल अधिकार था। इतना वहां के विधानसभा का कार्यकाल 6 साल, बाकी राज्यों का 5 साल। वहां के विधानसभा में 2 महिलाओं को राज्यपाल क्या कर सकते थे, मनोनीत कर सकते थे। हालांकि ये तो अच्छी व्यवस्था थी, उसको बाकी राज्यों को भी देखना चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधि होना चाहिए और एजुकेशन के हिसाब से मनोनीत कर लेना चाहिए। अच्छा था कि नहीं था? तो ऐसा नहीं कि आप हर जगह खराब, उसमें जो अच्छा चीज है निकाल लीजिए, मनोनीत कर सकता था। वहां राज्यपाल की जगह सदर रियासत बैठता था, राज्यपाल की जगह क्या बैठता था सदर रियासत। वहां आरटीआई नियम नहीं लगता था, वहां बैंकिंग की व्यवस्था आरबीआई नहीं देखती थी, स्टेट बैंक देखता था एसबीआई, वहां सारा बैंकिंग कौन देखता था एसबीआई, आरबीआई वहां पे नहीं देखता था, हर चीजें उटपटांग था। वहां बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकता था, जैसे बाहर का आदमी गया तो बस घूम सकता है, अस्थायी रूप से नहीं रह सकता था। सबसे उटपटांग कानून उसमें यही सब बना दिया गया था। और जम्मू कश्मीर की लड़की अगर बाहर किसी लड़का से शादी कर लेती है, यूपी बिहार इत्यादि में शादी करती है, तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाती थी। तो काफी उटपटांग नियम बनाए गए थे इस कानून के तहत। ये जितना जोड़ा गया था वो बी सी डी ई में जोड़ा गया था, किसके 370, लेकिन 370 ए खराब है, वो एक नंबर है, जो वही गया तो हम ही लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार देंगे लोग। 370 ए कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की, आप उसी को हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं रहेगी। तो 370 ए है, बाकी जो उसके गलत प्रावधान थे उसे वो तो क्या थे अस्थायी, लेकिन उसी में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या बनाया जाएगा विधानसभा, और वहां का विधानसभा वहां के लोगों को विशेष छूट देगा। अब वहां कह दिया गया कि जो यहाँ का नागरिक है वही जमीन खरीद सकता है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता कर दी गई, क्या क्या भारत के नागरिक है और साथ साथ जम्मू कश्मीर के नागरिक है, बाकी जगह कैसी नागरिकता एक हरी है, हम लोग बिहार के निवासी यूपी के निवासी और भारत के नागरिक, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या था भारत की नागरिक और जम्मू कश्मीर के भी नागरिक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, गजब व्यवस्था थी। और उन्होंने जोड़ दिया 35 का ए, वहां की विधानसभा ने क्या जोड़ दिया 35 का ए, 35 ए के तहत किसे किसको नागरिकता दी जाएगी जम्मू कश्मीर को और किसे नहीं दी जाएगी, यह व्यवस्था उसमें जोड़ा गया था। वो व्यवस्था किसमें जोड़ा गया था, मतलब हम लोग जम्मू कश्मीर में निवासी अस्थायी रूप से नहीं हो सकते थे, किसमें 35 के ए के तहत, समझ में आ गया कि नहीं। ये सारा खतरनाक बात तैयार किया गया था शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह के द्वारा, और उन लोगों ने इसे लेने में 10 साल लगाया और 26 नवंबर 1957 उन्होंने अपना संविधान पारित कर लिया और उन्होंने अपना झंडा अलग बना दिया। उसके झंडा पे एक बकुला उड़ता है, मतलब कोई पक्षी टाइप का था, उड़ता था, उड़ गया उड़ा दिया भारत। तो उन्होंने अपना बताइए 26 अक्टूबर 1947 को मिले, 26 नवंबर 1957 को क्या हो गया संविधान बन गया। संविधान किसका संविधान, इस संविधान के तहत 370 का ए अच्छा है कि खराब। अच्छा, हमको जम्मू कश्मीर के संविधान में सबसे अच्छा यही लगता है कि लोग वहां की जो विधानसभा में उसमें जितनी महिलाएं जीत के आए आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 महिलाओं का मनोनयन कौन कर देते थे राज्यपाल, ये हर राज्यों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लड़की लोग बताइए होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई लड़की आवाज उठाई है इसके लिए, और हम उठाएंगे तो खाली लड़की जब हम लड़की का बात हम को नहीं उठाएंगे, उतना लड़की उठाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ऐसे उठाने के बाद मतलब लोग कहेंगे कि का खान साहब पक्षपात वाली बात होने लगेगी, लेकिन ये बात आप लोग को उठाना चाहिए, याद रखिएगा जब तक वहां संसद और विधानसभा से नहीं बोलिएगा आप लोग महिलाओं के लिए, तब तक बस लोग नारा देगा कि हाँ महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, कोई सशक्तिकरण वगैरह नहीं, बस शिक्षा दीजिए आप लोग, जब आप लोग शिक्षित हो जाइएगा ना तो अपना अधिकार छीन लीजिएगा, अगर शिक्षित नहीं रहिएगा ना तो लाइन लगाइएगा राशन पे 25 किलो चावल, शिक्षा मकान प्रधानमंत्री से वो मिल जाए, वो अच्छी बात है गरीबों को मिले, जो आवास बनने के लिए मिलता है मोदी जी की योजना बहुत अच्छी है, गरीबों को मिल जाता है वहां पर, लेकिन जरूरी क्या होना चाहिए शिक्षा, जिस दिन शिक्षा मिल गया रोटी कपड़ा मकान तो ससुराल छीन लेंगे हम, समझ में आ गया, लेकिन ये क्या करता है सब रोटी कपड़ा मकान देता है सब, जानता है सब कि बार बार दो ही मांगने आएगा सब, लेकिन शिक्षा दे दिए तो
छीन लेगा अपना अधिकार, थोड़ा समय लगेगा लेकिन छीन ले। और शिक्षा हर बीमारी की दवा है। जनसंख्या जनसंख्या चिल्लाता है, बताओ कौन सा ऐसी महिला होगी जो पढ़ी लिखी होगी और उसके 9 गो 10 गो लड़का होगा, सब समझ में आ गया कि नहीं, कभी होगा? सबको शिक्षा जरूर। और मैं जिसके यहाँ भी ज्यादा बड़े बच्चे होंगे अमूमन देखिएगा शिक्षा उसमें नहीं हो, महिलाओं का शिक्षा होना जरूरी है। नीतीश कुमार से जब पूछा गया था हमारे मुख्यमंत्री से कि आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, यही सबसे बड़ा उपाय है। महिलाओं को क्या कर दिए, शिक्षित कर। और के बाद कहिए देखिए कोई शिक्षित महिला कभी भी नहीं समझ, बताओ लड़की लोग या लड़का लोग ये समझे, ये सरकार के समझाने की चीज है कि हम दो हमारे दो, ये तो व्यक्ति की जिम्मेदारी है, नहीं समझे? होता है एक दो लड़का ठीक है, हमारा एक दोस्त था उसका 2 लड़का था, तो कह रहे एक और बैकअप में रखे, एक उसकी लड़की थी एक लड़का, तो एक कर ना एक और हो तो बैकअप में इमर हो रहा गया तब क्या होगा। हम कह रहे यार बैकअप में रख रहा है, बताओ यहाँ एक से एक है यहाँ पर बैकअप में रख, सही है कौन सी है? सही है यहाँ पे। कश्मीर में धर्म भारी पड़ गया, कश्मीर बदनाम क्यों हुआ? कश्मीर अपने 370 के वजह से उतना बदनाम नहीं हुआ जितना धर्म के वजह से बदनाम हो गया। कई राज्य हैं जहां बाहर के आदमी अस्थाई रूप से नहीं रह सकता, शिमला में जाइएगा आप अस्थाई रूप से जमीन खरीदने में बहुत दिक्कत आती है आपको, बहुत सारा नियम कानून फॉलो करना पड़ता है ताकि वहां के लोगों को रोजगार को बचाया जा सके। लेकिन कश्मीर बदनाम हुआ किस वजह से? धर्म। हमेशा हम आप सबको कहते हैं याद रखिए बहुत, धर्म रिश्तेदार इमोशन ये सब साइड में रखना चाहिए, धर्म वर्म चीजों को साइड में रखना चाहिए, जिस दिन धर्म सड़क पे आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा आपको, कभी भी सब चीज में नहीं आना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ?